1.5% ऑफ 1 लाख, 1 लाख का 7.5% कितना होता है अभी हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम आपको मालूम होना चाहिए कि 1 लाख कितना होता है। 1 लाख होता है आपका 100,000। 100,000 कैसे लिखेंगे, जैसे 1,000 को कैसे लिखते हैं, एक और इसके साथ 3 बार 0, 1 3 बार 0 मतलब 1,000, तो क्या बन गया 1,000। ठीक है, तो यहाँ 100,000 लिखना क्या करेंगे, 1,000 के लिए 1 2 3, ठीक है, ये आपका क्या आ गया 1 लाख। ऐसे ट्रिक से सीखो, देखिए गणित आसान हो जाएगी। का मतलब गुणा कितना है 7.5 और परसेंट। अब देखिए परसेंट के चिन्ह का वैल्यू कितना होता है, तो आप जानते हैं क्या जानते हैं कि परसेंट का चिन्ह का वैल्यू गणित में होता है गुणा 1/100। ठीक है, इसको हमेशा फिक्स कर लो, गांठ बांध लो, परसेंट का चिन्ह दिखें उसको हटाना है, संख्या में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 1/100 लिखेंगे। ये 7.5 परसेंट की जगह क्या आ गया 1/100, बट्टे यानी भाग में ये गुणा में, तो संख्या एक दूसरे को कैंसिल करेगी, 0 से 0 कटा, फिर 0 से 0 कटा। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से सुनिए, 1 मल्टीप्लाई बाई पॉइंट को भूल जाइए, 75 कितना आ गया 75, यहाँ कितने जीरो है 1 2 3, ये 3 जीरो आ गए। अब पॉइंट को देख लो, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो यहाँ 1 अंक के पहले पॉइंट लिख देंगे, कितना आ गया 7500, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं। ये कितना है आपका 7500 है। ठीक है, इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा नहीं सौ, कितना 500, 1000 कितना 7000। ठीक है, आसान है।